देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण पर नेहरू युवा केंद्र बैतूल ब्लॉक मुलताई ने महाविद्यालय में आयोजित किया कार्यक्रम। खबर मुलताई से 17 नवंबर। शासकीय महाविद्यालय मुलताई में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र बैतूल के द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वर्षा खुराना ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। भाषण का विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण रहा, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान, विद्यार्थियों की भूमिका, राष्ट्र के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य, इस प्रकार के अपने विचार प्रकट किए गए, जिससे कि यह राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सके, जिसका मुख्य उद्देश्य सबका साथ और सबका विकास था। कार्यक्रम में निर्णायक समिति की भूमिका में सह प्राध्यापक डॉक्टर बी आर बारस्कर, डॉक्टर नरेंद्र हनोते, डॉक्टर ममता राजपूत, प्रोफेसर मदन ठाकरे और प्रोफेसर कल्पना बिसंद्रे रहे, जिन्होंने भाषण का मूल्यांकन कर उचित निर्णय प्रदान किया, जिसमें प्रथम अभिषेक हुरमाड़े, द्वितीय सुरेंद्र पवार एवं तृतीय अंकित नगदे रहे। अंततः राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर एल एल राउत द्वारा नेहरू युवा केंद्र में बैतूल से पधारे किरण खाड़े, राजेश्वरी सातनकर एवं दीक्षा देशमुख का आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभिषेक हुरमाड़े ने क्या विचार व्यक्त किए। जैसा कि आज के सदन में प्रस्तुत विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण में बताया गया है, आमतौर पर हम समझते हैं कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का क्या समुचित क्या उसका समुचित अंतर या उसमें परस्पर समानता हो सकती है। हम देखते आते हैं कि जब देशभक्ति अगर शब्द आता है तो हम सबसे पहले नाम आता है सेना का और दूसरा नाम आता है किसान का। वो अपने स्तर पर सिपाही अपने स्तर पर बॉर्डर पर रहकर देश की सुरक्षा करता है, वो एक देशभक्ति है। किसान अपने क्षेत्र में अपने घरों में रहकर अपनी खेती करता है, वो एक देशभक्ति है। क्यों? क्योंकि वो समूचे देश का अपितु कई स्तर पर दूसरे देशों में भी अनाज पहुंचाने का एक अभूतपूर्व योगदान देता है, तो वो भी देशभक्ति है। अब हम समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण कैसे होता है देशभक्ति से। अगर कोई किसान सब्जियां उगाता है, अनाज पैदा करता है, तो वो बड़े स्तर तक के वो उसे पहुंचाता है, वो एक देशभक्ति है। हम इसके बाद समझते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में भी हमें यह देखने को मिला है कि जब तक कि एक किसी भी मनुष्य के अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम देशभक्ति नहीं जाएगी, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमारे जो राष्ट्रीय गीत है या हमें जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, जो प्रार्थनाएं होती है हमारे स्कूलों में या कॉलेजेस में, जो हमें देश के प्रति देशभक्ति जगाने का काम करती है, क्या वही देशभक्ति है? नहीं। हमें किसी गरीब असहाय वंचित व्यक्ति के प्रति या हमें जो ऐसा लगे कि ये हमारे लिए किसी को मदद करने योग्य है या हम किसी को मदद करने योग्य है, तो ये चीजें भी किसी के प्रति करके हम भी देशभक्ति में राष्ट्र के निर्माण में अपना समुचित योगदान दे सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।